8.2, ABCD is a rectangle. PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD, and AD. Show that the quadrilateral PQRS is a parallelogram. Show that PQRS is a parallelogram. Rhombus dikhana hai? Okay, so rhombus ki properties kya hoti hai? Phir ye batao. Diagonal bisect bhi hai sir. To iska diagonal hamara PQ, PR aur QS hai. Isko kaise dikhayenge? So possible nahi hai. हमें पी क्यू आर एस को रोमबस दिखाना है, तो रोमबस की चारों साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी पहले बेसिक, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा डायगोनल्स को परपेंडिकुलर दिखा सकते हैं, और एबीसीडी हमारे पास क्या है रेक्टेंगल है, सो हाउ शुड बी प्रोसीड, मैं काम करता हूँ बीडी को डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बीडी, फिर इसके बाद बॉटम वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे डी ए बी ट्रायंगल में एस एन पी आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, जिसकी वजह से जो ए पी है वो बीडी के पैरेलल हो जाएगा और हाफ ऑफ बीडी के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम, दो साइड्स हमारी किसी ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट हो जाएंगी दो पॉइंट, उससे जो लाइन बनेगी हमारी वो हमारी लाइन क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी आपके थर्ड साइड दैट इज बीडी के, और उसके क्या होगी हाफ के इक्वल भी होगी। सिमिलरली ऊपर वाला जो ट्रायंगल हमारे पास डीसीबी और बीसीडी इन ट्रायंगल बीसीडी क्यू एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ये हमारे पास पहले क्यू लिखा है तो बीसी लिखेंगे, बीसी एंड सीडी रिस्पेक्टिवली, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो क्यू आर है वो बीडी के हाफ के इक्वल होगा और क्यू आर पैरेलल हो जाएगा हमारा बीडी के, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और सेकंड वाला सेम हमारा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सो यहां से हम लोग दिखा सकते हैं वन एंड टू से, फ्रॉम वन एंड टू आपके जो बेटा पीएस होगा वो क्यूआर के पैरेलल हो जाएगा, पीएस अगर पैरेलल है क्यूआर के तो हम वहां से बोल सकते हैं कि जो पी क्यूआरएस है वो क्या बन जाएगा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड इक्वल, पर मुझे क्या दिखाना है रोमबस, तो अगर मैं एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखा दें, हम क्या करें अगर एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखा देंगे तो उसकी वजह से हमारा पी क्यू आर एस क्या बन जाएगा रोमबस बन जाएगा। एडजेसेंट साइड्स की अगर हम एज्यूम करें तो कौन सा है वो एडजेसेंट साइड, एक एडजेसेंट साइड पी क्यू है और आर एस है, अगर ये पी क्यू और आर एस दोनों को मैं इक्वल दिखा दूं तो जिसकी वजह से हमारा पी क्यू आर एस जो पैरेललोग्राम है वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा रोमबस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या पी क्यू आर पी एस, हाँ पी क्यू आर पी एस को अगर हम इक्वल दिखा देंगे जिसकी वजह से पी क्यू आर एस जो है वो हमारा क्या बन जाएगा एक रोमबस बन जाएगा। अब रह बात इन दोनों को दिखाएंगे कैसे, अब इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें, मैं दोबारा से यहाँ पे फिगर आपकी ड्रॉ कर देता हूँ, अब इस बार मैं डायगोनल को ड्रॉ नहीं करूंगा। सो ए बी सी डी के अंदर हमारे पास जो मिड पॉइंट है उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, पी क्यू आर एन एस पॉइंट्स को ज्वाइन करके पी क्यू आर एस बन गया। अब अगर मैं ध्यान से देखूं एबीसीडी क्या है बेटा रेक्टेंगल है, अगर एबीसीडी रेक्टेंगल है तो ये बीसी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा एडी के इक्वल, तो बीसी का हाफ एडी के हाफ के इक्वल होगा, बीसी का हाफ क्या है बी क्यू, एडी का हाफ क्या होगा एस, तो दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। सो अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स की बात करूं एस ए बी, इस ट्रायंगल की बात करूं मैं अगर और ये वाले ट्रायंगल की मैं बात करूं तो इन दोनों में ए एस और बी क्यू इक्वल है, बॉटम में पी मिड पॉइंट है तो जो ए पी है वो बी पी के क्या हो जाएगा इक्वल होगा, एंड ये एंगल हमारा कितना होता है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे जिससे हम बोलेंगे कि जो पी एस है वो हमारा पी क्यू के इक्वल है। तो बॉटम वाले ट्रायंगल तो कंसिडर कर लेंगे हमारा जो एस ए पी एंड क्यू बी पी,
दिस इज इन ट्रायंगल एस ए पी एंड ट्रायंगल क्यू बी पी। यहां पे हमारे पास ए एस जो है वो बी क्यू के हमारा इक्वल आ जाएगा। एंगल एस ए पी क्यू बी पी के इक्वल आ जाएगा, इज 90 डिग्री। एंड जो ए पी है वो हमारा बी पी के इक्वल हो जाएगा। ए पी हमारा बी पी के इक्वल क्यों होगा? बिकॉज पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ऊपर हमने लिखा था ए एस इज इक्वल टू बी क्यू, ये हमने लिख दिया लेकिन दिखाना पड़ेगा। इसको लिख देता हूँ प्रूफ अबव और ऊपर दिखा देते हैं। विल राइट सिंस ए बी सी डी इज अ, अगर ये रेक्टेंगल होगा तो हमारा ए डी किसके इक्वल होगा? बी सी के इक्वल होगा। तो हाफ ऑफ ए डी हाफ ऑफ बी सी के इक्वल है। ए डी का हाफ होगा हमारे पास ए एस, बी सी का हाफ होगा हमारे पास बी क्यू। शो कर दिया इसको हम लोगों ने ऊपर, तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। व्हिच इंप्लाइज ट्रायंगल एस ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू बी पी बाय एस ए एस। जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो पी क्यू है वो एस पी के इक्वल हो जाएगा। सो एस पी इज इक्वल टू क्यू पी बाय सी पी सी टी। इसको मार्क कर लो फोर। इस रिजल्ट को मार्क कर लो बेटा थ्री। थर्ड रिजल्ट में आपका कहता था पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, फोर्थ में दिखाया कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो जिससे हमें क्या मिल जाएगा? ऑल साइड्स आर इक्वल, जिससे हम बोल सकते हैं कि एबीसीडी इज अ रोम्बस। व्हिच इंप्लाइज नॉट एबीसीडी पी क्यू आर एस, व्हिच इंप्लाइज पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। क्लियर है ये? तो क्या करें, इस्तेमाल ट्रायंगल्स में हम लोगों ने एबीसीडी रेक्टेंगल गिवन था, तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करके आपका पी मिड पॉइंट एस मिड पॉइंट, तो पी एस बी डी के हाफ और पैरेलल के इक्वल हो जाएगा। ऊपर वाले ट्रायंगल में हमारा क्यू मिड पॉइंट आर मिड पॉइंट, तो जो क्यू आर है वो हमारा बी डी के पैरेलल और हाफ के इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा पी क्यू आर एस क्या बन जाएगा? एक पी क्यू आर एस क्या बनेगा? एक रोम्बस, रोम्बस नहीं पैरेललोग्राम बनेगा। अब एबीसीडी जब आपका पी क्यू आर एस आपका पैरेललोग्राम बन गया, तो पैरेललोग्राम को हमें क्या शो करना है? करेक्ट आपका रोम्बस दिखाना है, रोम्बस की एडजेसेंट साइड इक्वल। तो इसमें हम लोगों ने एडजेसेंट जो टॉप के ट्रायंगल्स इन दोनों कॉन्ग्रुएंट करा, जरूरी नहीं है इन दोनों का, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को भी आपको कॉन्ग्रुएंट कर सकता था, ठीक है? तो उससे भी आपका जो रिजल्ट था सेम आ सकता था यहाँ पे हमारा। क्लियर है ये सबको? अब एग्जाम्पल एक हमारा रह गया था, वो निकालिए। नए वाले एडिशन में एग्जाम्पल नंबर जो सिक्स है हमारे पास, आपका बोल रहा है इन ट्रायंगल एबीसी डीईएफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स एबीबीसी एसी। एग्जाम्पल नंबर सिक्स, इन ट्रायंगल एबीसी डीईएफ आर द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। इन सबको यहाँ पे हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज डिवाइडेड इनटू फोर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय ज्वाइनिंग डीईएफ। DEF को ज्वाइन करने से हमारा जो पूरा पूरा ट्रायंगल है चार कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में आपका कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो अगर मैं नंबर दे दूं सबको, 1, 2, 3, 4 को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो 1 को 2 के इक्वल दिखा दो, 3 को भी 2 के इक्वल कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, 4 को भी 2 के कॉन्ग्रुएंट कर दो। सबको मैंने 2 के कॉन्ग्रुएंट कर दिया 1, 3, 4 को, तो चारों भी आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बट चारों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट करें तो भाई करें कैसे? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले यहां पे हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, जिससे हम बोलेंगे जो डी एफ है वो बेटा किसके पैरेलल हो जाएगा? बी सी के। और जो डी एफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? हाफ ऑफ बी सी के इक्वल हो जाएगा। अब ई मिड पॉइंट है, अगर ई मिड पॉइंट है तो बीसी का जो हाफ है वो कितना हो जाएगा बेटा? हमारा बी ई हो जाएगा। बीसी का जो हाफ है वो कितना हो जाएगा? बी ई, क्योंकि ई मिड पॉइंट है। एंड जो डीएफ था वो बीसी के पैरेलल था, तो आधा कर दिया मैंने, तो मैं बोल सकता हूं कि जो डीएफ है वो हमारा बी के भी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा।
df था वो bc के पैरेलल था तो उसके हाफ के भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड कौन कौन सी बेटा, df, be और df, ये दोनों आपस में क्या हो गए हमारे, पैरेलल भी हो गए और इक्वल भी हो गए। जब ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होगी तो ये हमारा क्या बना देगा, पैरेललोग्राम बना देगा। तो हम बोल सकते हैं कि BEFD इज अ पैरेललोग्राम। स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट क्या आ जाएगी हमारी, ऑपोजिट साइड इज अ क्वाड्रिलेटरल इफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इट फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ ऑपोजिट साइड या वन पेयर ऑफ साइड इज parallel and equal, then it forms a parallelogram. कह रहे हैं तो हमारे पास BEFD क्या बन जाएगा, एक parallelogram बन जाएगा। अब parallelogram जो है हमारे पास BEFD, इसमें DE क्या है, diagonal है। और हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कभी भी किसी parallelogram में एक diagonal बनाऊंगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे congruent हो जाएंगे। दिखाना नहीं है, सिंपल डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। ऑल्सो डीई इज डायगनल इन पैरेललोग्राम बीई एफ डी विच इंप्लाइज, ये जो दो ट्रायंगल है ये आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल की नेमिंग कर लेते हैं, विच इंप्लाइज वी कैन से दैट ट्रायंगल लेफ्ट वाला डी बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बेटा डी ई एफ। यहां पे हम लोग लिख लेंगे बिकॉज अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जैसे BDE जो है हमारा DEF के आपका congruent हो जाएगा। अब ये तो मैंने दिखा दिया कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, congruent हो गए। मैंने पहले यहां पे लिया था कि जो DF है BC के parallel और half के equal है, तो जो मैंने half वाला part लिया था पहले कौन सा लिया था, B लिया था। मैं B की जगह पे EC को तो ले सकता था, हम B की जगह किसको ले सकते थे, इसी को भी ले सकते थे। तो उसी को दोबारा से करते हैं हम लोग, वी कैन से दैट सिमिलरली, नहीं लिखेंगे दोबारा से लिखेंगे इसको, ऑल्सो आपका डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड दिस डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अब जब E मिड पॉइंट था तो वहां से हम लिख सकते हैं कि जो डी एफ है वो सी के पैरेलल हो जाएगा और जो DF है वो C के इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास जो DECF है विल बी अ पैरेललोग्राम आ जाएगा वो। अब ये DECF क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। तो दोबारा से अगर ये पैरेललोग्राम बन जाएगा तो दो डायगोनल आपका बन रहा है, यहाँ पे डायगोनल हमारा कौन सा बन रहा है, EF, जिसकी वजह से जो ट्रायंगल 2 और 3 बन रहे हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। Which implies triangle बीच वाला कौन सा DEF congruent हो जाएगा FEC के। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, इसको by A लिख लो, इसको A mark कर लो, वहां लिख देंगे by A, क्योंकि सेम क्वेश्चन में अगर एक चीज आ रही हो तो दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको ABCD mark करके लिख सकते हैं by A। So हमारा वन congruent हो गया टू के, टू congruent हो गया थ्री के। अब हमारे पास रह गया ऊपर वाला ट्रायंगल, वो कौन सा है, ADF, इसको मार्क कर लो ट्रायंगल 4। अब इसको कैसे हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएं, इसके लिए आपके पास अब लेना पड़ेगा E मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, तो ED AC के पैरेलल और हाफ के इक्वल हो जाएगा। दोबारा से लेंगे इन ट्रायंगल BAC, पहले हम लोगों ने मिड पॉइंट लिए थे बेटा D और F और इसको इसके पैरेलल करा था। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लेंगे बेटा D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन है DE वो हमारा AC के पैरेलल और हाफ के इक्वल होगा। सो इन ट्रायंगल BAC D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ
एबी एंड बीसी रिस्पेक्टिवली विच इंप्लाइज डीई इज पैरेलल टू एसी एंड डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। अब डीई पैरेलल है और डीई क्या हमारा एसी के हाफ के इक्वल है। अब आपके पास एफ क्या है मिड पॉइंट, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। सो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि जो एसी का हाफ है वो हमारा कितना हो जाएगा बेटा ए एफ के इक्वल हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा डी है वो आपका पैरेलल भी हो जाएगा हमारा ए एफ के। तो डी एफ के पैरेलल भी हो गया, डी एफ के इक्वल भी हो गया। तो जहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो डी ई एफ ए वो क्या बना देगा एक पैरेललोग्राम बना देगा। और जब डी एफ ए पैरेललोग्राम है तो जो टू और फोर है ट्रायंगल वो हमारे क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो यू कैन से दैट ट्रायंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ऊपर बन रहा हमारा ए डी एफ। दोबारा से आ जाएगा रीजन बाय ए, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगनल होता है उसको दो कॉन्ग्रुएंट में डिवाइड कर देते हैं हमारा। तो उसके बाद से अब हम यहाँ से रिजल्ट मार्क कर लेते हैं। इसको पहले वाले को मार्क कर लो वन, इसको मार्क कर लेंगे टू और इसको मार्क कर लीजिए थ्री। पहले वाले में देख सकते हैं कि जो हमारा डी बी ई है वो डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है, सेकंड में डी एफ इस वाले कॉन्ग्रुएंट है और अगले में डी एफ जो हमारा ऊपर वाले के कॉन्ग्रुएंट है। तो फ्रॉम वन टू थ्री वी कैन से दैट ऑल द फोर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फ्रॉम वन टू एंड थ्री ट्रायंगल डी एफ is congruent to triangle ADE, is congruent to triangle FEC, is congruent to triangle ADF। चारों आपस में congruent हो गए, and hence जो हमारा triangle है वो four congruent triangles में divide हो गया। जी दोबारा से कर रहे हैं, दोबारा से करते हैं बेटा। ABC triangle में D mid point, F mid point, तो ये जो DF है वो BC का parallel और half के equal हो जाएगा। तो जो half लेने हमने BC का वो हम ले लेंगे BE। तो ये जो line है DF वो BC के क्या हो जाएगा हमारा parallel और half, जिसकी वजह से हमारा क्या form कर लेगा एक parallelogram form कर लेगा। अब जब ये हमारा parallelogram form कर लेगा तो angle triangle one और two आपस में क्या होंगे congruent हो जाएंगे, क्योंकि parallelogram के अंदर ये जो parallelogram बना है इसमें जो diagonal है वो ट्रायंगल को पैरेललोग्राम क्या करेगा दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा, जिसके से वन और टू आपके क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर जो पहले मैंने हाफ ऑफ बीसी बीई लिया था उसकी बीसी बीई की जगह हम क्या लेंगे ईसी। तो ये डीएफ ईसी के पैरेलल है और हाफ के इक्वल है, तो हाफ हमारा हो गया था ईसी। तो डीएफ और ईसी क्या आपस में पैरेलल एंड इक्वल, जिससे क्या बनेगा पैरेललोग्राम बनेगा, जिससे अंदर ई एफ क्या है हमारा डायगनल, तो टू और थ्री आपस में क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिमिलरली अब डी मिड पॉइंट है ई मिड पॉइंट है, तो ये जो डी ई है वो ए सी के क्या होगा पैरेलल और हाफ के इक्वल हो जाएगा। तो जो उसका हाफ है वो हाफ हम ले लेंगे बेटा कौन सा ए एफ, जिससे ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगा जिसके अंदर डी एफ क्या है डायगनल, तो टू और फोर आपस में क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से चारों ट्रायंगल्स आपस में हमारे क्या आ जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है ये? ठीक है, लास्ट पार्ट में बेटा हम लोगों ने क्या करता है डी मिड पॉइंट ई मिड पॉइंट, तो ये लाइन इसके पैरेलल और हाफ, तो हाफ हमने ये लिया था जिससे ये पैरेललोग्राम बन गया था, जिससे फोर और टू आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। अब जो टू है वन टू है वो वन के भी कॉन्ग्रुएंट था, टू जो है वो हमारा थ्री के भी कॉन्ग्रुएंट है, टू फोर के भी कॉन्ग्रुएंट है, तो चारों भी आपस में क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर?